छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोर्ट की एक अजीबोगरीब कार्रवाई देखने को मिली, जहां जिला प्रथम सत्र न्यायालय के आदेश के बाद कोर्ट से एक टीम 1,37,00,000 रुपए के एवज में 6 गाड़ी की कुर्की करने के लिए कलेक्टोरेट पहुंची। टीम को यहां केवल 1 गाड़ी मिली जो जांजगीर एसडीएम की थी। कोर्ट की टीम उसे ही अपने साथ ले गई। कोर्ट की टीम ने जिला प्रशासन की ओर से सपोर्ट नहीं करने की बात कही। इस पर अपर कलेक्टर एसपी वैद ने सफाई दी है। एसडीएम को भेजा गया यहाँ से कि माननीय कोर्ट से निवेदन करे कि कुछ समय दिया जाए, बट उसके पश्चात ही माननीय कोर्ट के द्वारा जो है वो जो एसडीएम की गाड़ी थी वो न्यायालय परिसर में ही उसको कुर्क कर दिया गया, इसकी सूचना मिली। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल अकलतरा क्षेत्र के नरियरा गांव में स्थित केएसके महानदी पावर प्रोजेक्ट में सुरेखा सिंह की जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इस पर वो कोर्ट चली गई, जिसके बाद 1,37,00,000 रुपए देने को लेकर प्रथम जिला सत्र न्यायालय ने जिला प्रशासन की 6 गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट की टीम कलेक्टोरेट पहुंची और जैसे ही कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी मिली, फिर हड़कंप मच गया। इस तरह कलेक्टोरेट में 2 घंटे तक माहौल गरमाया रहा। मौके पर कोर्ट की टीम को एसडीएम जांजगीर की गाड़ी मिली, जिसे कोर्ट ले जाया गया। हमारे यहाँ से माननीय शैलेंद्र चौहान जी प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ से कुर्की वारंट तामीली के लिए भेजा गया था। उस वारंट की तामीली के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट नाजीर लक्ष्मी श्रीवास्तव ने सर्किल काटकर मुनीराम गोयल आदेशिका वाहक को कुर्की वारंट की तामीली के लिए दिया। चौहान साहब यहाँ का कुर्क वारंट लेकर कलेक्ट्रेट के पास गया था, तो कितने से 1-2 घंटे से हम लोग को बैठा के रख दिए। उसके बाद हमें कुछ सामान नहीं मिला, एक ठगाड़ी मिला, उसको कूट करके ला के न्यायालय में रखे हैं परिसर में। और एसडीएम मैडम के पास मैं गया उसके चाबी लेने के लिए, तो मेरे को बोली तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से हो, तुम्हारा नाम पे ज़मीन है, ये सब मैं कूट करा दूँगा, ऐसा उन्होंने बोला और चाबी नहीं दिया। फिर और मैं दस्तखत कराने भी चाहा, दस्तखत नहीं किए। पूरे मामले पर फिलहाल अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अब देखना होगा कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।